हाय स्टूडेंट्स, तो अब हम बात करने जा रहे हैं एक छोटे से टॉपिक और बहुत ही इजी और आपके बोर्ड और कंपटीशन दोनों में पूछा जाने वाला बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आएगा। तो पहले ट्रिक सिखलाते हैं आपको, क्योंकि कार्बन रजिस्टर, यही है कार्बन रजिस्टर बच्चों। देखो ये है कार्बन रजिस्टर्स, देखिए आपको अच्छे से कलर तो दिखाई नहीं देगा लेकिन हम सबको समझाएंगे, ध्यान से अच्छे से एकदम क्लियर करेंगे। यही है कार्बन रजिस्टर, देखो है ना, जिसका रेजिस्टेंस बहुत बहुत ज्यादा होता है। अरे वाह, हाँ मतलब किस तरह से हम उसका रेजिस्टेंस निकालते हैं, जिसका पावर रेटिंग 1 वाट होता है। पावर रेटिंग मीन्स पावर कितना, तो पावर रेटिंग 1 या 1 से लेस होता है, 1 वाट या 1 वाट से लेस, मीन्स 1 वाट और लेस देन 1 वाट। लेकिन हमको उससे कोई मतलब नहीं, हमको रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है ना। आप देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में धड़ल्ले से यूज हो रहा है बहुत बहुत ज्यादा, रेडियो वगैरह देख लो है ना, जितने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज है उसमें आप देखेंगे कैपेसिटर का यूज, इंडक्टर का, रजिस्टर का। तो रजिस्टर और कैपेसिटर, कैपेसिटर तो अच्छे से पढ़ा चुके हैं, विच स्टोर द एनर्जी और इलेक्ट्रिक चार्ज इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और रजिस्टर विच डिस्टर्ब, हाँ विच अपोजेस द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब मान लिया जाए कि सर्किट से आपको कुछ करंट का फ्लो कराना है, हाँ, और बहुत हाई वोल्टेज का बैटरी है, तो रजिस्टर लगा दो ना और करंट को रोक देगा, जितना करंट फ्लो कराना है उसके हिसाब से रजिस्टर को कनेक्ट कर दो सर्किट में। और ये रजिस्टर, इस पे रेजिस्टेंस लिखना पॉसिबल नहीं रहता है बिकॉज इट्स साइज इज मच स्मॉलर, तो इसका साइज भी बहुत छोटा होता है और ये बहुत ही कम कॉस्ट का होता है ना, तो बहुत अच्छा है। रेजिस्टेंस भी बहुत ज्यादा मिल गया, बहुत अच्छी बात है। साइज भी बहुत छोटा और कॉस्ट भी बहुत कम है ना, तो बहुत अच्छा है। यानी एक ऐसा ट्रिक हम बताने जा रहे हैं आपको, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैड वेरी गुड वाइफ वेयरिंग गोल्ड सिल्वर नेकलेस। इस ट्रिक को अगर आप याद कर लेंगे तो इसका रेजिस्टेंस निकालना बहुत आसान हो जाएगा। एक बहुत अच्छा आपको हम ट्रिक समझाने जा रहे हैं और आज का लेक्चर बहुत छोटा और बहुत आसान, बहुत इजी, एकदम अच्छे से आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट हम क्लियर करने जा रहे हैं। राइट, क्लियर? तो आइए स्टार्ट करते हैं बच्चों, दिमाग में सेट रखो, इसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा। अब हम कैलकुलेट करेंगे कलर के बेसिस पे। कलर देखो, कलर रिप्रेजेंट किया हुआ है बाबू, अच्छे से नहीं आपको दिख रहा होगा लेकिन हम अभी दिखाएंगे, सोल्व करेंगे तो। लेकिन पहले पूरा ट्रिक सीखो और कैसे रेजिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं, कि कलर के हेल्प से हम कैसे इसका रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर लेंगे, ये हम आज क्लियर करने जा रहे हैं। राइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों, एकदम ध्यान से सुनो, हेडिंग दे दो, कलर कोड ऑफ कार्बन रजिस्टर्स। देखो बाबू, एक्चुअली रेजिस्टेंस लिखता है बहुत सारा बुक इसको, लेकिन रजिस्टर लिखना चाहिए है ना, क्योंकि ये रजिस्टर है उसका रेजिस्टेंस कुछ ना कुछ होगा। ये रजिस्टर है विच रेजिस्ट, विच अपोजेस, विच डिस्टर्ब द फ्लो ऑफ डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो कहने का मतलब ये कि ये रेजिस्टर है, हाँ, जिसका हम रेजिस्टेंस का बात करेंगे, रेजिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। कैपेसिटर एक डिवाइस था जिसका कैपेसिटेंस कुछ न कुछ था, तो ये रेजिस्टेंस नहीं है, ये रेजिस्टर है, माइंड इट। ओके, तो देखा जाए, स्टार्ट करते हैं कलर कोड ऑफ कार्बन रेजिस्टर। तो जल्दी से हेडिंग लिख लीजिए और स्टार्ट करते हैं, बस ध्यान से सुनते रहो। ट्रिक ऐसा बता रहे हैं कि कोई भी तुमको रजिस्टर मिल जाए उसका रेजिस्टेंस इजीली तुम फाइंड आउट कर लोगे। राइट, तो आइए ट्रिक पे स्टार्ट करते हैं। ट्रिक से पहला हो जाएगा आपका ट्रिक, बस इसी पर जान है, बाकी क्वेश्चन बनाने में अरे वाह मजा आएगा। ट्रिक के बाद कलर, कलर के बाद नंबर, बस पहले इसको सीखो कि हम क्या लिख रहे हैं। नंबर के बाद पावर ऑफ 10 के बाद एक और टर्म आएगा टॉलरेंस। ये है पावर ऑफ 10 जिसको मल्टीप्लायर कहते हैं, है ना, ये बताएगा पावर ऑफ 10। ओके, मल्टीप्लायर। और नेक्स्ट है बच्चों, नेक्स्ट टॉलरेंस, TOLERANCE नहीं दिख रहा होगा तो NCE, चलिए टॉलरेंस।
सब कुछ क्लियर करने जा रहे हैं। जब क्वेश्चन लेके चलेंगे तुरंत पानी पानी हो जाएगा, राइट। तो चलिए उधर स्पेस छोड़ दिए क्वेश्चन बनाने के लिए बच्चों, ओके। अब देखो, पहला नंबर ट्रिक, दूसरा नंबर पे कलर, तीसरा नंबर पे नंबर, फोर्थ नंबर पे पावर, पावर ऑफ 10 मीन्स मल्टीप्लायर, और नेक्स्ट टॉलरेंस, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है बच्चों। बी बी रॉय ऑफ का कोई मतलब नहीं, उसको साइड कर देते हैं। ग्रेट ब्रिटेन, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैड से भी हमको कोई मतलब नहीं, हटा देते हैं। हैड वेरी गुड वाइफ वेरिंग से भी हमको कोई मतलब नहीं है, तो इसको साइड में लिख देते हैं। वेरिंग इससे भी हमको कोई मतलब नहीं है, इसके बाद वेरिंग आएगा। वेरी गोल्ड सिल्वर नेकलेस, इससे तो बाबू इतने अच्छे से याद होगा तुमको कि मत कहो, बस ये टेबल ड्रॉ करने भर दे रहे, बाकी तो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट तुमको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। रे बाबा पसीना रास नहीं जिंदगी हैरान हूं मैं, ओ हैरान हूं मैं, गोल्ड इज हियर, गोल्ड सिल्वर नो कलर, राइट। देखिए बच्चों ध्यान से, तो देखो क्या होता है, ध्यान देना एकदम अच्छे से ट्रिक पहले याद कर लो, उसके बाद काम खत्म हो गया। बी बी रॉय रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैड वेरी गुड वाइफ फॉर वेयरिंग गोल्ड सिल्वर नेकलेस, मींस बीबी रॉय नाम के एक इंसान होंगे जो ग्रेट ब्रिटेन के रहने वाले होंगे, जिनकी बहुत अच्छी एक वाइफ होगी जो सोने और चांदी का नेकलेस मींस हार पहनना पसंद करती होगी, है ना, पसंद करती थी जो भी है। अब देखो बच्चों एकदम ये ट्रिक हो गया याद करने का, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैड वेरी गुड वाइफ वेयरिंग गोल्ड सिल्वर नेकलेस, याद हो गया। हाँ अब देखो, पहला बी मतलब याद रखना, फर्स्ट बी मीन्स ब्लैक, सेकंड बी मीन्स ब्राउन, और थर्ड बी मीन्स ब्लू। वेयर इज बी ब्रिटेन, बी ब्लू जिससे मतलब नहीं है उसको साइड में रख दिया बाबू, और आर फोर रेड, O for orange, Y for yellow, G for green, first G for green, V means violet, G for grey, second G for grey, W for white, G means gold, तो ये है ही gold, silver, और necklace for no color. नंबर स्टार्टिंग से जीरो से स्टार्ट करो, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बस और यहां से आ जाएगा पावर मल्टीप्लायर 10 to the power 0, अगर यहां 0 है तो 10 to the power 0, यहां 1 है तो 10 to the power 1, 2 है तो 10 to the power 2, ऐसे ही पावर लगाते जाएंगे बाबू, 10 to the power 4, 10 to the power 5, 10 to the power 6, 10 to the power 7, 10 to the power 8, बस 10 to the power 9, जैसे ही गोल्ड आएगा वहां लगा देना 10 to the power -1, सिल्वर तो 10 to the power -2, और गोल्ड वाला में 5% टॉलरेंस, सिल्वर वाला में 10%, और नो कलर में 20%। याद हो गया होगा, अरे बोलो, ये हुआ याद रखने का ट्रिक, ये हुआ याद रखने का ट्रिक। अब ध्यान से सुनो, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैड वेरी गुड वाइफ वेयरिंग गोल्ड सिल्वर नेकलेस, तो फर्स्ट बी मींस ब्लैक, सेकंड बी फॉर
ब्राउन, रेड आर रेड, ओ ऑरेंज, वाई येलो, जी ग्रीन, फर्स्ट जी ग्रीन, बी ब्लू, वी वायलेट, जी ग्रे, जी चलो गुड ऐसे लिख देते हैं कैपिटल जी से, चलो ग्रे, डब्ल्यू व्हाइट, गोल्ड, सिल्वर, नेकलेस नो कलर। क्लियर? यानी फर्स्ट बी मतलब ब्लैक, एकदम दिमाग में सेट रखना है, फर्स्ट बी मींस ब्लैक, है ना। अब देखो सेकंड बी मींस ब्राउन, हाँ, और थर्ड बी मींस ब्लू, राइट। फर्स्ट जी मींस ग्रीन, सेकंड जी फॉर ग्रे एंड गोल्ड तो है ही जी। क्लियर? अरे याद हो गया होगा। और पहला से स्टार्ट करो तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और पावर यहाँ पे उसी का पावर के फॉर्म में, जीरो पावर है, 10 to the power 0, 10 to the power 1, राइट, 9 तक चलना, फिर उसके बाद 10 to the power -1, 10 to the power -2, राइट। और गोल्ड में 5%, सिल्वर में 10% और नो कलर में 20%। क्वेश्चन करेंगे पूरा क्लियर होगा। पहले ये टेबल हमको बताओ कि याद होगा कि नहीं होगा। अरे बोलो टेबल याद हुआ कि नहीं हुआ, बोलो, हो गया। चलो आते हैं क्वेश्चन पे बच्चों, एक बार लास्ट रिपीटेशन टेबल का ध्यान दो, याद रखना है बीबी राय ऑफ, ये चीज तो याद ही रखना है, बीबी राय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड वेरी गुड वाइफ, वेरिंग गोल्ड सिल्वर नेकलेस, ये तो याद रखना ही होगा। और ये भी याद रखना होगा कि फर्स्ट बी मीन्स ब्लैक, सेकंड बी फॉर ब्राउन एंड थर्ड बी मीन्स ब्लू। फर्स्ट जी ग्रीन, सेकंड जी ग्रे और थर्ड जी तो गोल्ड दिखाई दे ही रहा है, यानी कि ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे, व्हाइट, गोल्ड, सिल्वर, नो कलर, नेकलेस नो कलर। क्लियर? अब देखो आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन बच्चों। अब कितना रेजिस्टेंस होगा कलर के बेसिस पे हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, आवर सेंस ऑलवेज बी पॉजिटिव, तो हम लोग लेफ्ट टू राइट सोचते हैं बच्चों। और याद रखना है लास्ट में, सबसे लास्ट में, हाँ सबसे लास्ट में या तो गोल्ड होगा या तो सिल्वर होगा या तो नो कलर होगा। तो चलो इसी को हम आज गोल्ड ले लेते हैं पहला ही क्वेश्चन में। चलो पहले हम इसी को बना लेते हैं, चलो एक क्वेश्चन इसी को ले लेते हैं। वाह रे वाह, तो फर्स्ट कलर है बाबू ब्राउन, फर्स्ट कलर है ब्राउन, सेकंड कलर है ब्लैक, सेकंड कलर है ब्लैक और थर्ड कलर है रेड और फोर्थ कलर गोल्ड है। देखो अगर दिखाई दे तो देख लो बच्चों, है ना, लास्ट कलर देखो यहां से, यहां से, क्योंकि लेफ्ट टू राइट लास्ट में गोल्ड, सिल्वर या कलर नहीं है तो लास्ट में रहेगा सिल्वर, गोल्ड, ये सब लास्ट में रहेगा, लास्ट में, यानी इनिशियली स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक चलेंगे तो सबसे एंड में होगा गोल्ड, सिल्वर या नो कलर। मेनली हम लोग चार का बात करते हैं, चार का, है ना, चार कलर का मेनली, है ना, लेकिन तीन वाला भी आ जाए, पांच छह वाला भी आ जाए तो सब सीख लेंगे आपको हम आराम से। लेकिन पहले ये सीखो बच्चों, ध्यान देना कि जब हम लोग किसी कलर का बात कर रहे हैं तो कैसे उससे पहचानेंगे कि उसका रेजिस्टेंस कितना होगा, तो बताओ। चार कलर, मेनली चार कलर पूछेगा आपके एग्जाम में, लेकिन तीन और पांच वाला भी आपको सीख रहे हैं, राइट, छह वाला भी आप बना सकते हैं, लेकिन मेनली पूछता है कितने वाला, चार वाला। तो आइए बच्चों ध्यान दीजिए, ध्यान से सुनिए, अभी हम रजिस्टर जो लिए हैं उसका रेजिस्टेंस कितना होगा आसानी से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। फर्स्ट कलर था ब्राउन, सेकंड कलर ब्लैक है, थर्ड कलर रेड है और फोर्थ कलर गोल्ड था। तो बताइए बच्चों क्या होगा, देखिए ध्यान दीजिए, ये टेबल पहले याद कर लेना है, उसके बाद कैसे हम लोग रेजिस्टेंस को लिखते हैं ये सुनो। सिग्निफिकेंट फिगर यानी शॉर्ट में समझ लो कि फर्स्ट डिजिट और सेकंड डिजिट, यानी लेफ्ट से राइट तक चलेंगे तो पहला कलर और दूसरा कलर देगा फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर, मींस पहला कलर और दूसरा कलर, फर्स्ट और सेकंड कलर देगा फर्स्ट और सेकंड नंबर। एक क्वेश्चन से पूरा क्लियर कर रहे हैं, एक क्वेश्चन पहले ध्यान से समझो। पहला है ब्राउन, तो ब्राउन मतलब फर्स्ट नंबर दे दिया वन, दूसरा है ब्लैक, ब्लैक मींस जीरो दे दिया नंबर, और थर्ड वाला देता है मल्टीप्लायर मींस 10 to the power के फॉर्म में। हाँ, तो रेड, रेड, रेड देख के क्या पता चला कि 10 to the power 2, क्या बात है। और प्लस माइनस, ये टोलरेंस का मतलब क्या है,
टॉलरेंस का मतलब होता है रेजिस्टेंस में इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, चाहे तो इससे 5% लेस होगा चाहे तो इससे 5% ग्रेटर होगा, है ना। जब रजिस्टर बनाया गया कार्बन रजिस्टर तो देखा गया कि वाह बहुत कम साइज का यानी बहुत छोटे साइज में भी रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा तक हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, ऐसा बना सकते हैं। वाह, तो देखा गया कि जब रेजिस्टेंस जितना भी आया उसमें ये देखा गया कि जैसे ही रेजिस्टेंस को मेजर किया जा रहा है, देखा जा रहा है, क्योंकि आपको पता है बैटरी कनेक्ट करेंगे, करंट का फ्लो मेजर करेंगे एमीटर के हेल्प से, एमीटर जो है उसके हेल्प से करंट मेजर कर लेंगे, बैटरी पोटेंशियल डिफरेंस, तो रजिस्टर का रेजिस्टेंस कितना भी इक्वल टू वायर, क्योंकि टेम्परेचर के साथ इसका वेरिएशन का हम लोग बात नहीं करते हैं, इसका रेजिस्टेंस में वेरिएशन नहीं। ओके, तो बताओ बच्चों यहां से रेजिस्टेंस हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। तो देखा गया प्रैक्टिकली कि इसका रेजिस्टेंस चाहे तो इतना डिक्रीज कर रहा है चाहे तो इतना इंक्रीज कर रहा है, 5% अगर इंक्रीज डिक्रीज कर रहा है तो वहां पे फोर्थ नंबर जो दे दिया गया, फोर्थ बैंड दे दिया गया, उसको बैंड कहा जाता है या रिंग कहा जाता है। तो जो फोर्थ बैंड, ये सब बैंड है, तो जो बैंड है उसको रिंग, जो यहाँ पे रिंग 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 बच्चों देखो रिंग देखो कलर किया हुआ है रिंग जैसा देखो, है ना। तो बताइए बच्चों कि यहां से हमको सीखने को मिला कि जो कार्बन रजिस्टर्स आपको दिखाई दे रहे हैं इन सारे का रेजिस्टेंस हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, और गोल्ड है तो 5% यानी टॉलरेंस का मतलब क्या कि रेजिस्टेंस में परसेंटेज इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। क्लियर हो गया, हो गया। तो बताइए बच्चों, आइए फिर से रिपीट करते हैं, तुरंत क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट दो कलर है वो दो सिग्निफिकेंट फिगर देगा, मतलब दो नंबर्स देगा। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में धड़ल्ले से यूज हो रहा है, बार बार हम कह रहे हैं, जाके देख लीजिए इलेक्ट्रॉनिक दुकान पे, इलेक्ट्रॉनिक शॉप पे, वहां पे आप देखिएगा कि रजिस्टर लगा रहता है, कैपेसिटर लगा रहता है, इंडक्टर तो अभी आगे पढ़ेंगे, है ना। तो रजिस्टर का यूज क्या है, तो करंट के फ्लो को डिस्टर्ब करना, यानी जितना रिक्वायरमेंट है करंट के फ्लो का उतना यूज करेंगे। क्लियर, तो आइए स्टार्ट करते हैं। ध्यान दीजिए बच्चों, पहला कलर देता है फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर, यानी शॉर्ट में कहो फर्स्ट नंबर, तो ब्राउन है तो वन, राइट। सेकंड कलर देता है सेकंड नंबर, मतलब जीरो, राइट। और इनटू थर्ड जो नंबर है, थर्ड नंबर वो देता है पावर, मींस जो भी रहे थर्ड नंबर, थर्ड कलर जो आप देख रहे हैं बच्चों, थर्ड कलर वो इसमें से जो भी रहेगा उसमें हम पावर के फॉर्म में लिख देंगे, राइट। क्लियर, और फोर्थ कलर जो है वो चाहे तो गोल्ड रहेगा चाहे सिल्वर या नो कलर, तो वहां परसेंटेज लिखेंगे, परसेंटेज इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, तो प्लस माइनस 5%, क्योंकि गोल्ड है तो गोल्ड के लिए 5%। क्लियर हो गया होगा, तो कितना है बोलो, 1000 प्लस माइनस 5%। अब आप समझ गए होंगे कि 1000 से 5% लेस होगा या 5% ग्रेटर होगा, यानी वही उसका रेंज हो गया रजिस्टर का। क्लियर, अब देखो बच्चों लास्ट रिपीटेशन करें, क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन है इसलिए लास्ट रिपीटेशन। पहला और दूसरा रिंग जो है, पहला और दूसरा बैंड जो है, फर्स्ट एंड सेकंड बैंड्स गिव्स द सिग्निफिकेंट फिगर्स, इट मींस सिंपली अ नंबर्स। तो बताइए कि यहां पर नंबर ब्राउन का वन है और ब्लैक का जीरो है, और इंटू थर्ड नंबर, थर्ड कलर देता है क्या, तो मल्टीप्लायर मींस पावर, 10 to the power, तो 10 to the power रेड है, रेड है, रेड है तो 2, और प्लस माइनस 5%, गोल्ड है तो 5%। क्लियर हो गया, अच्छा। अब देखो बच्चों, अब इसी में चेंज कर रहे हैं थोड़ा सा, जल्दी से उस क्वेश्चन को उतार लो, जल्दी से लिख लो, फास्ट हो गया। अब चलिए इसी में हम क्या करते हैं, सेकंड नंबर क्वेश्चन कि गोल्ड न देके यहां पे हम लोग नो कलर का बात कर लिया, कलर ही नहीं, समझ में आ गया होगा, नो कलर, समझ में आ गया होगा। जब नो कलर है बच्चों तो यहाँ पे प्लस माइनस 20% बन गया सर, तो बनेगा नहीं बाबू, देखो बन गया, बन गया। देखो एक बार फिर से मिला लेते हैं, ब्राउन, ब्राउन वन, पहला और दूसरा कलर देगा, पहला और दूसरा बैंड देगा, पहला और दूसरा रिंग देगा क्या, तो फर्स्ट और सेकंड नंबर्स, यानी फर्स्ट और सेकंड सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो पहला है ब्राउन, ब्राउन वन, ब्लैक, ब्लैक जीरो, जीरो, ब्लैक जीरो, बताइए ब्लैक जीरो, और इनटू रेड 10 to the power 2, रेड 10 to the power 2, और फोर्थ कलर गायब है तो प्लस माइनस 20%, नो कलर, नो कलर 20%। क्लियर, क्लियर हो गया।
चलो जल्दी जल्दी लिखो, जल्दी जल्दी उसी में और चेंज करेंगे बच्चों, जल्दी हो गया। अब देखो, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं सो देखो, एकदम इजी, आज के बाद कभी नहीं भूलोगे। बस अब मान लिया जाए कि थर्ड कलर भी ये, चलो इसको कुछ और कर देते हैं, चलो ऑरेंज ले लेते हैं, ऑरेंज इसको क्या दूसरा कुछ ले लेते हैं, ले लो कुछ भी, ग्रीन ले लो, ग्रीन ले लो, थर्ड वाला गोल्ड और फोर्थ वाला भी गोल्ड ले लेते हैं। अरे वाह, लास्ट में तो गोल्ड रहना ही है, सिल्वर रहना ही है, नो कलर रहना ही है, लास्ट में गोल्ड सिल्वर या नो कलर तो रहना ही है, लेकिन उसके पहले भी गोल्ड हो सकता है। वो कैसे बनेगा सो देखो बच्चों, ध्यान देना, लास्ट में गोल्ड सिल्वर नो कलर रहेगा ही रहेगा, लेकिन थर्ड पे आ गया अगर गोल्ड तो क्या होगा। आइए स्टार्ट करते हैं, बस कुछ नहीं, बस मल्टीप्लायर, मल्टीप्लायर, थर्ड पे जो आता है वो मल्टीप्लायर आ जाता है, थर्ड पे जो आता है मल्टीप्लायर आ जाता है, राइट। अब देखो, पहला ऑरेंज है तो ऑरेंज के लिए 3, सेकंड वाला ग्रीन है तो ग्रीन के लिए 5, इनटू थर्ड वाला मल्टीप्लायर देता है तो 10^10 गोल्ड -1, वाह। और लास्ट में भी गोल्ड है तो प्लस माइनस, लास्ट वाला तो आपको पता है क्या देता है, तो परसेंटेज इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट देता है, लास्ट रिपीटेशन एक बार में क्लियर हो जाएगा, थर्ड वाला मल्टीप्लायर देता है, दिमाग में सेट हो गया होगा। अब बताओ बच्चों, फर्स्ट वाला ऑरेंज है तो ऑरेंज के लिए 3, सेकंड वाला ग्रीन है तो ग्रीन के लिए 5, यानी फर्स्ट दो कलर्स, दो बैंड्स, दो रिंग्स क्या देते हैं, दो सिग्निफिकेंट फिगर्स और दो नंबर्स, सिंपली नंबर्स। तो बताइए, फर्स्ट में ऑरेंज है और सेकंड में ग्रीन है तो ऑरेंज के लिए 3 और ग्रीन के लिए 5 और इनटू थर्ड वाला देता है मल्टीप्लायर, थर्ड वाला मल्टीप्लायर, तो मल्टीप्लायर मींस क्या बच्चों, तो मल्टीप्लायर में गोल्ड है तो 10^-1 प्लस माइनस, गोल्ड है लास्ट वाला भी तो 5%, लास्ट वाला परसेंटेज देता है, उसके पहले वाला मल्टीप्लायर देता है और स्टार्टिंग वाला सिग्निफिकेंट फिगर्स देता है, लास्ट वाला परसेंटेज इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट विच इज नोन एज टॉलरेंस, टॉलरेंस देता है, ओके। और उसके पहले वाला मल्टीप्लायर तो गोल्ड है तो 10^-1, राइट, और पहला दूसरा सिग्निफिकेंट फिगर्स तो ऑरेंज है तो 3, फर्स्ट ऑरेंज 3, सेकंड ग्रीन 5, क्लियर। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं बाबू, 35/10 प्लस माइनस 5%, यानी 3.5 आ जाएगा प्लस माइनस 5% आंसर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, अरे बोल दो जल्दी, क्लियर हो गया ना। अब देखो बच्चों, 3 वाला भी बता दिए आपको पीछे, नो कलर, लास्ट वाला नो कलर मीन्स 3 कलर आ गया, वो भी बता दिए, लेकिन 5 कलर वाला कैसे बनाएंगे वो सीखो पहले, एक और इसी पे एक और देख लेते हैं, तब आगे लास्ट 5 कलर वाला आपको बता देंगे, जल्दी जल्दी 4 वाला एक और बना के दिखाते हैं आपको, समझो कि अभी रिविजन करा देते हैं, लेकिन 5 वाला एक बनाएंगे बस, पूरा पानी पानी हो जाएगा, क्लियर। अब देखिए, मान लो चलो ऐसे ही छोड़ दो, इसको चेंज कर दो, इसको कर दो क्या, बोलो बोलो, ब्लू कर देते हैं, चलो ब्लू, देखो वो ब्लू कर दिए कितना ज्यादा रेजिस्टेंस हो जाएगा, देखना जरा सा, देखना मजा आएगा। चलो इसको सिल्वर कर देते हैं, बहुत देर से हम लोग सिल्वर का बात नहीं किए, सिल्वर का बात ही नहीं किए, सिल्वर, ओके। तो देखा जाए बच्चों, फर्स्ट वाला देता है फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर 3, राइट, फर्स्ट वाला फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर, राइट, सेकंड वाला ग्रीन है तो ग्रीन है तो 5, राइट, फर्स्ट वाला ऑरेंज है तो 3, सेकंड वाला ग्रीन है तो 5, बहुत बढ़िया, इनटू थर्ड वाला ब्लू है तो ब्लू मल्टीप्लायर देता है तो ब्लू मतलब 10^6 और प्लस माइनस सिल्वर है तो 10%, अब बना लेगा तुम लोग, हाँ बना लेगा जी, अरे बोलो जी। देखो फर्स्ट ऑरेंज है तो 3, फर्स्ट और सेकंड देगा दो सिग्निफिकेंट फिगर्स या नंबर्स, फर्स्ट ऑरेंज है तो 3,
सेकंड ग्रीन है तो 5 इंटू ब्लू है थर्ड वाला, ब्लू है तो पावर देगा, ब्लू मीन्स 10^6 प्लस माइनस सिल्वर है तो 10%, राइट क्लियर। एक लास्ट क्वेश्चन लेके चलते हैं, जो भी नंबर रहा होगा बच्चों, जो भी क्वेश्चन का नंबर रहा होगा, और देखो ऐसे तो जनरली 4 कलर वाला ही पूछता है, लेकिन चलो 5 कलर वाला अगर पूछ देगा तुमसे तब तो फंस जाओगे, इसीलिए 5 कलर वाला आपको बता देते हैं बच्चों। ध्यान दीजिएगा, कृपया ध्यान दें, मत रो मेरे दिल चुप हो जा, ऐसे ओके। अब देखिए 5 बैंड है, तो लास्ट वाला तो आपको पता है गोल्ड सिल्वर या नो कलर रहेगा, चलो गोल्ड ले लिए। फर्स्ट वाला कुछ भी कलर ले सकते हो, चलो नेकलाइन से स्टार्ट कर देते हैं, चलो यहां से लेके यहां तक ले लेते हैं, रेड रेड, दूसरा वाला ऑरेंज, दूसरा वाला, पहला वाला रेड, दूसरा वाला ऑरेंज, ऑरेंज ऑरेंज, तीसरा वाला ले लेते हैं क्या, येलो येलो येलो, और फोर्थ वाला क्या ले लेते हैं बच्चों, ग्रीन, चलो ग्रीन, चलो स्टार्ट करते हैं। ध्यान देना, अब अगर जितना भी रहे टेंशन नहीं लेना है, लास्ट वाला देता है परसेंटेज, हम लास्ट से सोचना स्टार्ट करेंगे, जितना भी कलर दे देगा लास्ट से सोचना स्टार्ट करो 5%, और लास्ट वाला के पहले वाला देता है पावर मल्टीप्लायर, अरे वाह, लास्ट वाला के पहले वाला मल्टीप्लायर देता है यानी 10^5 ग्रीन 5 और इंटू, देखो जितना भी कलर दे दे लास्ट से सोचना स्टार्ट करो, क्योंकि लास्ट में तुमको पता है बच्चों कि लास्ट में परसेंटेज इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होता है रेजिस्टेंस में, विच इज नोन एज टॉलरेंस, और उसके पहले होता है पावर मल्टीप्लायर। तो बताइए ग्रीन है तो मल्टीप्लायर 10^5, उसके पहले वाला अब सिग्निफिकेंट फिगर्स, अरे वाह, तो उसके पहले सिग्निफिकेंट फिगर येलो तो 4, उसके पहले ऑरेंज है तो 3, उसके पहले रेड है तो 2, बोलो बोलो बोलो, समझ में आ गया होगा, आ गया होगा। ध्यान दो लास्ट रिपीटेशन, लास्ट में गोल्ड है, देखना लास्ट में एकदम, हम यही बता रहे हैं बार बार कि जो सबसे लास्ट में रहता है वो परसेंटेज इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट देता है, तो वो गोल्ड सिल्वर या नो कलर रहता है, पता है। तो बताइए बच्चों अगर गोल्ड है तो प्लस माइनस 5%, उसके पहले वाला मल्टीप्लायर होता था, तो उसके पहले मल्टीप्लायर यानी ग्रीन है तो 10^5, उसके पहले वाले सिग्निफिकेंट फिगर्स तो येलो है तो 4, येलो 4, ऑरेंज तो 3, रेड तो 2, काम खत्म। अगर ऐसा रहे तो ऐसे ही सोचना। अब चलो अब इधर से चल देते हैं सोचते सोचते, हाँ, और सेकंड लास्ट को और लास्ट को छोड़ दो, हाँ, और उसके पहले सोच लो, तो पहला है रेड तो 2, दूसरा वाला है ऑरेंज तो 3, तीसरा वाला है येलो तो 4, चलो हो गया, क्योंकि सेकंड लास्ट देता है मल्टीप्लायर और लास्ट देता है परसेंटेज, बोलो, सेकंड लास्ट देता है मल्टीप्लायर और लास्ट देता है परसेंटेज। तो बताइए ये आ गया रेड 2, ऑरेंज 3, येलो 4, राइट, और ग्रीन तो 10^5 मल्टीप्लायर और परसेंटेज तो प्लस माइनस 5 गोल्ड है तो, क्लियर हो गया था। लेकिन एक क्वेश्चन हम वैसा करने जा रहे हैं जिसमें रेजिस्टेंस दे देगा लेकिन बैंड नहीं देगा, कलर नहीं देगा, हाँ, यानी कि रेजिस्टेंस दे देगा तो हम कलर कैसे फाइंड आउट करेंगे वो बताने जा रहे हैं। तो जल्दी से लिख लीजिए, जल्दी फास्ट जल्दी। अब देखो बच्चों अब अगर ऐसा रहेगा कि रेजिस्टेंस ही दे दिया तो कलर कैसे फाइंड आउट करेंगे वो थोड़ा दिखला देते हैं, बस हर तरह का क्वेश्चन क्लियर करनी है आपको। तो मान लिया जाए कि रेजिस्टेंस है आपके पास 5600 प्लस माइनस 5%, चलो 10% रहने दो ना, प्लस माइनस इतना। अब देखो कलर कैसे लिखेंगे, मतलब आपको रेजिस्टेंस दे दिया और जब रेजिस्टेंस दे दिया उससे आपको कलर पूछ रहा है, वाह रे वाह, आपको रेजिस्टेंस दे दिया और उसके हेल्प से आपको कलर पूछा जा रहा है, देखिए कितना इजी है। 5600 को लिख सकते हैं बच्चों, अब रेजिस्टेंस ही क्वेश्चन में दे दिया को लिख सकते हैं 5 6 into 10^3,
एकदम सिंपल वे में लिख लो पहले, बोलो इसको लिख सकते हैं 5 6 इंटू 10^3 मतलब 1000 में मल्टीप्लाई करेंगे 56000 हो जाएगा। जल्दी बोलो जल्दी बोलो जल्दी, 56000 को लिख सकते हैं 56 इंटू 10^3 प्लस माइनस 10% पहले से दिया हुआ है। क्लियर? अब देखिए पहला नंबर देता है, पहला नंबर देता है फर्स्ट कलर, तो बताइए फर्स्ट कलर 5 है तो 5 है तो ग्रीन, यानी ये दे रहा है ग्रीन को। ये 6 क्या बता रहा है, 6 मतलब ब्लू, राइट, और पावर मल्टीप्लायर पावर 3 ऑरेंज, ऑरेंज, और 10% मतलब सिल्वर। हो गया हो गया हो गया, बोलो बोलो। अरे 56000 को लिख सकते हैं बच्चों, 56000 को लिख सकते हैं 56 इंटू 10^3 प्लस माइनस 10%। फर्स्ट कलर देता है फर्स्ट, फर्स्ट डिजिट देता है फर्स्ट कलर, तो फर्स्ट डिजिट 5 है तो ग्रीन। सेकंड देता है सेकंड कलर, तो क्या, तो 6 ब्लू। मल्टीप्लायर देता है नेक्स्ट कलर, तो मल्टीप्लायर पावर 3 तो ऑरेंज। 10% है तो सिल्वर। क्लियर? तो ये फर्स्ट कलर हो गया ग्रीन, सेकंड कलर हो गया ब्लू, थर्ड कलर हो गया ऑरेंज, और नेक्स्ट कलर हो गया सिल्वर। बोलो, तो हर तरह का क्वेश्चन हमने क्लियर कर दिया और ये हो गया आंसर। अच्छे से पढ़ते रहिए, एक टॉपिक पूरा कवर हो गया, तो अगले लेक्चर में आते हैं लेकर के, पूरा देख लीजिए।